पाकिस्तान का धागा खोल दिया है तालिबान ने और कर दिया है बड़ा ऐलान। दरअसल पाकिस्तान कल ही तालिबान के प्रति प्रेम दिखा रहा था, लेकिन तालिबान को पता है कि ये प्रेम सिर्फ लालच की भाषा है। और फिर क्या था, पाकिस्तान के खिलाफ मुल्ला याकूब ने बयान दे डाला और हिला दी पाकिस्तान की जमीन। चलिए डूरन लाइन टीटीपी और पाकिस्तान तालिबान के संबंध पर क्या बोले तालिबानी लीडर मुल्ला याकूब, ये जरा ध्यान से सुनिए। मुल्ला याकूब ने कहा, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच डूरन रेखा कहलाने वाली सीमा महज एक रेखा है। तालिबान शुरू से ही डूरन लाइन को सीमा मानने से इनकार करता रहा। वो सही समय पर डूरन लाइन विवाद को पाकिस्तान के सामने उठाएगा। हम पाकिस्तान के साथ अभी सीमा मुद्दे को इसलिए नहीं उठा रहे हैं क्योंकि अफगानिस्तान के लोग कई अन्य तरह की समस्याओं का सामना कर रहे हैं। अफगानिस्तान की सीमा डूरन लाइन के दूसरी तरफ काफी अंदर तक है। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा राज को भी अफगानिस्तान अपना हिस्सा मानता है। जब तक सीमा विवाद का समाधान नहीं होता तब तक पाकिस्तान को बाड़बंदी से बचना चाहिए। अगर टीटीपी अफगानिस्तान में स्थित है तो वो सीमा पर पाकिस्तानी सुरक्षा चौकियों पर हमला करेगा। इसके बजाय टीटीपी इस्लामाबाद सहित पाकिस्तान के अंदर के शहरों पर हमला कर रहा। पाकिस्तान टीटीपी के खिलाफ खुद का बचाव करने में असमर्थ है, इसलिए वो अफगानिस्तान को दोष देता है। तो ये था बयान मुल्ला याकूब का, जिसमें तालिबान का ये लीडर पाकिस्तान को उसकी सही जगह दिखा रहा। अब अगर भारत और अफगानिस्तान के संबंध की बात करें तो भारत लगातार अफगानिस्तान के लोगों की भलाई के लिए काम कर रहा, गेहूं से लेकर तमाम जरूरत की चीजों को अफगानिस्तान तक पहुंचा रहा। और शायद यही वजह है कि जो तालिबान पाकिस्तान को धमकी देता नजर आ रहा वो भारत को हर दफा शुक्रिया करता है। अब अगर पाकिस्तान में ताबड़तोड़ हमले करने वाले टीटीपी की बात करें तो टीटीपी ने हाल ही में पाकिस्तान के बलूचिस्तान पर बड़ा ऐलान कर दिया, जिसके बाद पाकिस्तान के हुक्मरान तालिबान से मदद मांगने लगे। शायद यही वजह है कि पाकिस्तान के एक्सपर्ट आमिर राणा ने कहा, देश के खराब हालात का फायदा उठाते हुए ये टीटीपी आतंकी अपनी पकड़ को मजबूत कर रहे हैं। और टीटीपी ने पिछले सप्ताह नई मोर्चेबंदी का ऐलान किया। ये आतंकी अब देश के उन इलाकों में अपनी पकड़ मजबूत कर रहे हैं जहां धार्मिक और जाति विवाद बहुत ज्यादा है। टीटीपी की ये चाल है कि पाकिस्तान के उन इलाकों को निशाना बनाया जाए जो कमजोर है, ताकि सुरक्षा बलों के लिए चुनौती पैदा की जा सके। खैर कुछ भी हो, लेकिन मुल्ला याकूब का यह बयान सुनकर आज पाकिस्तान के हुक्मरानों को नींद नहीं आएगी। लेकिन अब देखना तो ये होगा कि क्या तालिबान के इस बयान पर पाकिस्तान पलटवार करेगा या फिर नहीं। आपका क्या कुछ कहना है मुल्ला याकूब के बयान को लेकर और भारत अफगानिस्तान के रिश्तों को लेकर, कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।